हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं कि जनरली कार के अंदर में इंजन का इंडिकेटर ऑन हो जाता है। जब ये इंजन का इंडिकेटर ऑन हो जाता है तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको कंप्यूटर से चेक कराना पड़ेगा। बेसिकली जो कार होता है वो सेंसर पे काम करता है, और यदि कोई भी सेंसर ख़राब होता है तो ये कार में ये इंजन जो है वो शो करने लगता है, और इसको रिजॉल्व कराने के लिए या तो इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कराना पड़ेगा, और मैं इसको आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो घर पे ही इसको आप रिजॉल्व कर लेंगे। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है स्कैनर। चलिए आपको स्कैनर दिखाते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं और आपके ढेर सारे पैसे बचवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है कार और बाइक का स्कैनर, और इसका कैसे यूज़ करते हैं चलिए आपको दिखाते हैं। गाइस, इस स्कैनर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो बॉक्स के ऊपर QR कोड दिया है इसको स्कैन करना पड़ेगा। इससे आपको एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐप को डाउनलोड करते हैं, और हमने QR स्कैनर खोला। गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिंक आ गया है, और लिंक को ओपन करते हैं। जैसे लिंक को ओपन करेंगे गाइस, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैंने APK डाउनलोड कर लिया, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस, ये ऐप जो है वो इंस्टॉल हो गया है, इसको ओपन करते हैं और जितने परमिशन मांग रहा है उसको दे देते हैं। तो देख सकते हैं कि इस ऐप का जो इंटरफेस है वो इस तरह का है। स्कैनर को बोलते हैं OBD, और चलते हैं हम लोग कार के अंदर में। स्कैनर को कार में लगाते हैं और इससे लिंक करते हैं। बेसिकली ये काम करता है ब्लूटूथ के कनेक्टिविटी से। आप देख रहे हैं कि ये जो एरर आ रहा है इंजन का, इसको रिजॉल्व करने के लिए ये है स्कैनर, इसे बोलते हैं OBD स्कैनर। और इसको लगाने के लिए क्या होता है, हर कार के अंदर में एक जगह दिया होता है जहाँ पर OBD जो है वो फिक्स होता है। तो गाइज, मेरे कार में OBD लगाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने इस क्लिप को निकाल दिया और इस स्कैनर को मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने स्कैनर लगाया है एक लाइट जलना स्टार्ट हो गया है, और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपना इसमें मोबाइल के स्क्रीन पे चले जाएंगे और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ब्लूटूथ में गए और इसको पेयर करते हैं। जब सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में OBD सेकंड का ऑप्शन आ गया। इसको पेयर करेंगे कि आप 000 या 1234 डाल सकते हैं। 1234। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरा OBD जो है वो पेयर हो गया है। और जैसे OBD पेयर होगा, हम चलते हैं ऐप पे, या अपने इस ऐप को ओपन कर लिया। और वो ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फॉल्ट कोड्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया OBD, और जब कार को हम इस तरह ब्लूटूथ से स्कैन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो भी हमारे पास में फॉल्ट है, तो आप देख सकते हैं कि इस समय मेरे कार में ये एरर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये सेंसर पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अभी हमको पढ़ना पड़ेगा P1704 में क्या प्रॉब्लम है, 2099 में क्या प्रॉब्लम है, और 1515 चेंजेस में जो प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। तो हम चलते हैं गूगल पे, और यहाँ पे लिखते हैं C15 फॉल्ट कोड। तो अब ये दिखा सकता है कि स्टेयरिंग व्हील के सेंसर में कुछ इशू आ रहा है। बोनेट खोलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, कौन सा सेंसर। मैंने कार का बोनेट खोल दिया है, और बेसिकली जो ये आप देख रहे हैं ये सब सेंसर है, ये सारे सेंसर है, ये सेंसर ही सारे जो है वो प्रॉब्लम को बताते हैं। तो ढेर सारे सेंसर लगे हुए हैं, ये आप नीचे देख रहे हैं, सारे सेंसर लगे हुए हैं, ये सारे सेंसर लगे हैं। तो अभी ये स्टेयरिंग का सेंसर कह रहा है, तो स्टेयरिंग का सेंसर बेसिकली नीचे लगा हुआ है, इसको चेक करते हैं कि स्टेयरिंग का सेंसर में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो गाइस, इस तरह से आप सेंसर को चेक करके आप उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रिजॉल्व करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ अपने OBD रीडर को, तो आप देख सकते हैं कि ये स्कैन करने के बाद में अभी कोई फॉल्ट है कि नहीं फॉल्ट है ये बता देगा कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। 3 मिनट इसने प्रॉब्लम बताया, उसको रिजॉल्व कराया मैंने, फॉल्ट कोड क्लियर किया, और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे इश्यू में किसी तरह का भी एरर नहीं है जो कि अब शो कर रहा है। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं कि मेरा फॉल्ट कोड जो है वो रिजॉल्व हो गया, और मुश्किल से मेरे को 10 से 15 मिनट लगा इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कितने पैसे मेरे बच गए। कंपनी में 1000 रुपये कार का स्कैन कराने का है, और यदि मार्केट में जाएंगे तो 800 से 1000 रुपये ले लेते हैं, और एक्चुअल कोड आपको पता चल नहीं पाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। जब भी आपके कार में इस तरह का इंजन शो करना स्टार्ट कर दे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से लगभग 400 से 500 के बीच में OBD स्कैनर मंगवा लें,
और ऐप डाउनलोड करें, अपने कार को खुद ही स्कैन करें और खुद ही इंजीनियर बने। आई थिंक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।